हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, हस्तमैथुन से क्या क्या नुकसान होते हैं, यानी आप जब हस्तमैथुन करते हो तो उसके नुकसान आपको लाइफ में क्या क्या उठाना पड़ सकता है, मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। हस्तमैथुन कोई भी उम्र का, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, मतलब लत मान के चलो या कुछ ही मान चलो, इतना ज़्यादा करने लग गए हैं कि हद से ज़्यादा, और उनको फिर बात का पता नहीं होता कि इसके बाद में हमारे शरीर को या हमारी पूरी फ्यूचर को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे नुकसान आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो ये, अगर आप पार्ट टाइम या थोड़े बहुत महीने दो महीने में अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप एवरी डे या दिन में दो चार पाँच छः बार अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो आपकी लाइफ को इससे बहुत बड़ा खतरा होता है। नुकसान नंबर एक, मैं आज आपको बताऊंगा हस्तमैथुन से कितने नुकसान होते हैं। नुकसान नंबर एक, आपको हस्तमैथुन करने से इतनी कमजोरी आएगी कि आप इसको बाद में रिकवर नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, कितनी भी मतलब बॉडी बिल्डिंग जाओगे, कितना प्रोटीन खाओगे, लेकिन आपके शरीर को वो लगता नहीं है। आप जब हस्तमैथुन करते हो तो वो एक लत बन जाती है जिससे आपका शरीर कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है, कभी बॉडी आपकी ग्रोथ नहीं कर पाती। नुकसान नंबर दो, आपकी आंखों की रोशनी, आप अगर ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो तो इससे आपकी आंखों की रोशनी 100% स्लो कम होती चली जाएगी, जो कि आपके आगे चलकर जब आप 30-40 साल के प्लस हो गए तो आपकी ऑटोमेटिक आप देखने लगो कि हमारी आंखों में रोशनी कम बची और आपको दिखना कम हो जाएगा। एंड थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके फ्यूचर के लिए एंड आपके पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, जो आपका प्राइवेट पार्ट रहता है, आप अगर हस्तमैथुन करते हो तो, आप अगर हस्तमैथुन ज़्यादा ही करते हो तो आपका जो प्राइवेट पार्ट रहता है ना, उसकी जो नस रहती है ना, वो नस कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि आप जब 20, 25, 30 साल प्लस आप पहुंचते हो ना, फिर आपके जो प्राइवेट अंग हैं वो बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। वर्क करने से आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो सकती है, आपकी फ्यूचर प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान नंबर फोर, आप अगर बहुत ही ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो तो आपको ये वाली बात भी पता चल जानी चाहिए कि आप पेरेंट्स नहीं बन सकते हो अगर आप बहुत ही ज़्यादा करते हो। 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, वो स्टार्टिंग में 15 या 20 साल की उम्र से वो हस्तमैथुन करने लग जाते हैं, फिर वो लगातार एकदम हैबिट बना लेते हैं और दिन में 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार रात दिन में कर करके वो कर लेते हैं, जिससे कि फिर वो, जब उनकी शादी होती है, जब शादी के बाद 1-2 साल हो जाते हैं, फिर 2-3 साल बाद भी लोग कहते हैं कि ये, इसके बच्चे नहीं हो रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम है, तो वो यही प्रॉब्लम होती है, जो कि आपका, जो आप हस्तमैथुन करते हो, जो हम जो अंदर से जो निकलता है उसकी ग्रोथ क्षमता, यानी जो उसकी जो ग्रोथ क्षमता रहती है ना, वो बहुत ही कम हो जाती है, जिससे कि आप फ्यूचर में 90% लोग पेरेंट्स नहीं बन पाते। तो यही एक रीज़न होता है, आप अगर अभी नहीं समझो तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे। एंड अगर आप थोड़ी सी इंजॉय के लिए अगर आप आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल करना चाहते हो तो आप आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकते हो। एंड मैं, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि हस्तमैथुन को कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल आप कभी भी हस्तमैथुन नहीं करोगे, ये मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको 100% नेक्स्ट वीडियो हस्तमैथुन को कैसे रोका जाता है 100% दूंगा। एंड अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।